प्यारे विद्यार्थियों, आरसीआई एजुहब बानसूर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, लेखा शास्त्र में अपना यूनिट नंबर 4 अर्थात लेसन 4 फर्म का समापन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का समापन कब किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में फर्म का समापन होता है, फर्म के समापन का अर्थ क्या होता है और फर्म के समापन के समय किस किस प्रकार से कौन कौन से लेखांकन प्रविष्टियां की जाती हैं, ये सब हम इसी पाठ में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने पास आता है फर्म के समापन का अर्थ, अर्थात मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार किसी फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी का समाप्त हो जाना ही फर्म का विघटन या फर्म का समापन कहलाता है। माना किसी फर्म में 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। अब तीनों साझेदारों के मध्य यदि साझेदारी समाप्त हो जाती है तो वहां फर्म का समापन स्वतः ही हो जाता है। मान लीजिए ए, बी और सी तीनों के मध्य यदि साझेदारी समाप्त हो जाती है तो यहां फर्म का समापन हो जाएगा। अगर यदि ए किसी कारण से फर्म से निवृत्त हो जाता है या इसकी मृत्यु हो जाती है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है और तथा ए फर्म से बाहर हो जाता है, फिर भी फर्म में बी और सी नाम के 2 साझेदार बचते हैं, ऐसी स्थिति में फर्म का समापन नहीं हो पाता है, केवल साझेदारी का ही समापन होता है, अर्थात साझेदारी ही समाप्त होती है। जब साझेदारी समाप्त हो जाए और फर्म यथावत चलती रहे, अर्थात शेष साझेदार फर्म को चलाना चाहें, तो ऐसी स्थिति में शेष साझेदार फर्म का संचालन विधिवत रूप से कर सकते हैं। लेकिन यदि समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाएगी, ऐसी स्थिति में फर्म का समापन हो जाएगा। फर्म का समापन होते ही व्यावसायिक क्रियाएं समस्त प्रकार से बंद हो जाती हैं। इसको दूसरे रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक फर्म के समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाए तो उसे फर्म का समापन कहते हैं। समस्त साझेदारों के मध्य, चाहे कितने भी साझेदार हैं, ए, बी, सी, डी, ई, कितने ही साझेदार हों, यदि समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाती है तो उसे फर्म का समापन कहते हैं। फर्म का समापन होने पर, मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्म का समापन होने पर फर्म की समस्त संपत्तियों का विक्रय कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फर्म की जो भी व्यावसायिक क्रियाएं हैं वो बंद हो जाती हैं, और व्यावसायिक क्रियाएं बंद होने पर, व्यावसायिक क्रियाओं का मतलब फर्म में जो भी लेन देन होते हैं वो समस्त लेन देन बंद हो जाते हैं। माल का खरीदना बेचना, जो भी व्यावसायिक क्रियाएं हैं वो समस्त बंद हो जाती हैं, और बंद हो जाने पर फर्म की समस्त संपत्तियों का विक्रय कर दिया जाता है, अर्थात उनको बेच दिया जाता है। संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि से समस्त दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है फर्म का समापन होने पर फर्म की समस्त संपत्तियों का विक्रय कर दिया जाता है और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। समस्त संपत्तियों के विक्रय करने से प्राप्त होने वाली राशियों से दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। संपत्तियां बेचने पर प्राप्त होने वाली राशि से दायित्वों का भुगतान करने पर यदि फिर भी कोई राशि शेष बच जाती है, माना संपत्तियां बेची 250,000 रुपए की और दायित्व थे 150,000 रुपए के, ऐसी स्थिति में 1,00,000 रुपए फर्म के पास शेष बचेंगे। अगर फर्म के पास 1,00,000 रुपए शेष बच गए तो ऐसी स्थिति में 1,00,000 रुपए को समस्त साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। कह रखा है कि उसके बाद यदि शेष बचा हो तो साझेदारों को उनके खातों के अंतिम निपटारे के रूप में भुगतान कर दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है, समस्त संपत्तियों का विक्रय करने के बाद उसी राशि से दायित्वों का भुगतान किया जाता है। दायित्वों का भुगतान करने के बाद भी यदि फर्म में कोई राशि शेष बच जाती है तो उस राशि को समस्त साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में, अर्थात प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूप में बांट दिया जाता है। जब फर्म का समापन हो जाता है तो फर्म का समापन होने के बाद
जो भी राशि शेष बची उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूप में साझेदारों में बांट देने के बाद भी किसी भी प्रकार से किसी भी खाते में कोई भी राशि शेष नहीं होनी चाहिए, अर्थात समस्त प्रकार के खाते, जो भी खाते होंगे समस्त प्रकार के खाते नील हो जाएंगे, अर्थात बिना बैलेंस के हो जाएंगे, जिनमें किसी प्रकार का कोई शेष नहीं बचेगा। यह है हमारे फर्म के समापन का अर्थ।